सबसे सेहतमंद ये लड्डू खाएं और सर्दियों में तंदुरुस्त हो जाएं, क्योंकि इस एक ही लड्डू में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स आपको इतने मिलेंगे कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। फाइबर से भरपूर है। अगर हड्डियों में दर्द है, खून की कमी है या फिर दिमाग को तेज करना है, तब तो आपको इसे जरूर खाना चाहिए। ये लड्डू नहीं सेहत का खजाना है, जिसे मैं बनाऊंगी बिना चीनी के। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी के लिए बहुत ही सेहतमंद और पौष्टिक, जिससे इम्यूनिटी मिलेगी भरपूर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विंटर स्पेशल मेथी के लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है 1 कप मेथी दाना। ये वेट में 100 ग्राम है। इससे बने लड्डू बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं, आपको बीमारियों से दूर रखेंगे और इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और सारे मेथी दाना को डालकर हम इसे महीन ग्राइंड कर लेंगे। ये जो तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ, लड्डू हमारे बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे, जरा भी आपको कड़वाहट नहीं लगेगी। तो यहाँ मैंने इसे बारीक ग्राइंड कर लिया है। इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। अब मेथी दाना के लड्डू जरा भी कड़वे ना हो, इसके लिए हमें पहले इसे भिगोना होगा। भिगोने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप दूध। ये दूध ना तो गर्म है ना ज्यादा ठंडा, सिंपल रूम टेम्परेचर पर है। दूध को डालकर इसे हम कर देंगे मिक्स। दूध में जब हम मेथी दाना को भिगोते हैं तो इसकी कड़वाहट बहुत हद तक खत्म हो जाती है और लड्डू हमारे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। अब इसे 2 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे, जिससे मेथी अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब कर ले और फूल जाए। अब गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन और इसमें मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच देशी घी और ये मैंने लिए हैं 50 ग्राम मखाने। घी के मेल्ट होते ही हम मखानों को डालकर फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर हमें इन्हें फ्राई करना है, जिससे इनका मॉइस्चर खत्म हो जाए। तो यहाँ हमारे मखाने फ्राई हो गए हैं और इस तरह से जब हम इन्हें तोड़कर देखते हैं तो ये आसानी से टूट रहे हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। फ्राई करने से ये आसानी से ग्राइंड हो जाएंगे और लड्डू की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। अब इसी पैन में मैं ले रही हूँ 1 कप नारियल। इसे मैंने काट कर लिया है। आप नारियल को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या फिर अगर आपके पास नारियल का बुरादा हो तो उसे भी ले सकते हैं। नारियल को भी हम लो मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर रोस्ट करेंगे। नारियल में अपना काफी सारा ऑयल होता है, तो इसे रोस्ट करने के लिए हमें घी की जरूरत नहीं होती। अब नारियल भी हमारा रोस्ट हो गया है, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, तो इसे भी अब हम निकाल लेंगे और अब वापस पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। और अब यहाँ मैं ले रही हूँ 1/2 कप बादाम। बादाम को भी हमें क्रंची होने तक रोस्ट करना है। हल्का जब बादाम रोस्ट हो जाए तो इसमें डाल देंगे 1/4 कप काजू और 1/4 कप ही मैं ले रही हूँ पिस्ता। अब सभी को हम लो मीडियम फ्लेम पर क्रंची होने तक रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा देर हमें इसे बिल्कुल भी नहीं रोस्ट करना है, वरना इसमें कड़वापन आ जाएगा। और अब ड्राई फ्रूट्स का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है। सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेंगे। अभी पैन में घी है तो इसमें 1 चम्मच मैं घी और डाल रही हूँ और ये मैंने लिया है 1/2 कप गोंद। किसी भी किराना स्टोर पर आपको ये आसानी से मिल जाएगा। गोंद को थोड़ा थोड़ा करके हम इसे भूनेंगे। इसे हमेशा लो फ्लेम पर ही भूनना चाहिए, इससे ये अच्छे से फ्राई होगा, चिपकेगा नहीं। गोंद बढ़िया से फूल गया है तो इसे हम निकाल लेंगे। अब बाकी बचे हुए गोंद को भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो गोंद भी हमारा हो गया है फ्राई। इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करना है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब पैन में फिर से डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी और यहाँ मैंने लिया है 200 ग्राम गेहूं का आटा। अब धीमी धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए हमें इसे भूनना है। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक हल्का सा कलर इसका चेंज ना हो जाए और बहुत बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे। फ्लेम को हमें लो मीडियम रखना है, जिससे कि ये जले नहीं। तो यहाँ हमारा आटा भुन गया है, तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच खसखस
जिसे आप पॉपी सीड्स या पोस्ता दाना भी कहते हैं। बहुत बहुत हेल्दी होता है, सर्दियों में बहुत ही फायदेमंद रहता है। गर्म आटे के साथ ही इसे भी थोड़ी देर भूनेंगे। आटा हमारा रोस्ट हो गया है तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। अब इधर मेथी अच्छे से फूल गई है, ये देखिए सारा दूध इसने एब्जॉर्ब कर लिया है और भीग कर ये एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो अब पैन में डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी और घी के मेल्ट होते ही हम इसमें सारे मेथी दाने के मिक्स को डाल देंगे और इसे थोड़ा सा दबाते हुए कलर चेंज होने तक इसे बढ़िया से भूनेंगे। ये लड्डू शरीर को गर्मी देते हैं और एनर्जी से भरपूर होते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं, कमजोरी थकान को भी दूर रखते हैं और डिलीवरी के बाद बेहद न्यूट्रिशन देने वाले होते हैं। अब देखिए लगातार चलाते हुए हमने इसे भूना है और अब इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो गई है। मेथी ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है कि हमारा मेथी दाना परफेक्टली भुन गया है। खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अब गैस को कर देंगे ऑफ और इसे भी हम निकाल लेंगे। अब सारी चीजें रोस्ट हो गई हैं, तो एक लेंगे ग्राइंडिंग जार और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नारियल और इसका पाउडर बना लेंगे। नारियल पाउडर अगर आपने लिया है तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। नारियल हमारा ग्राइंड हो गया है तो एक बड़े बर्तन में हम इसे निकाल लेंगे और अब हम जार में ट्रांसफर कर लेंगे मखाने, काजू, बादाम और पिस्ता को। इसे हमें दरदरा सा ग्राइंड करना है, पल्स मोड पर हमें इसे ग्राइंड करना है। जार छोटा है तो इसे मैं दो बार में ग्राइंड करूंगी। तो यहाँ मैंने इसे दरदरा सा पीस लिया है और ये मैंने बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी ग्राइंड कर लिया है और इसी में हम डाल देंगे भुना हुआ आटा और मेथी। और ये जो हमने गोंद फ्राई किया था इसे आप मैशर से इस तरह से क्रश कर लीजिए। वैसे आप इसे मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से क्रश करके डालने से इसका जो क्रंच लड्डू में आता है ना, बहुत ही बढ़िया लगता है। अब इसे भी हम साथ ही डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बहुत ही ज्यादा शक्तिवर्धक लड्डू हमारे तैयार होंगे। आप देख रहे हैं कि कितनी सारी चीजें हमने इसमें डाली हैं और बिना चीनी के मैं इसे बनाऊंगी। आप इसे चीनी से भी बना सकते हैं। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ मैंने लिया है 450 ग्राम गुड़ और गुड़ को इस तरह से छोटा छोटा तोड़ लिया है। अगर आप बड़े पीसेस लेंगे तो इसे मेल्ट होने में काफी टाइम लगेगा। और साथ ही डाल देंगे इसमें एक बड़ा चम्मच घी और फ्लेम को कर देंगे एकदम लो। इससे ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा और लड्डू में शाइनिंग भी आएगी। अब धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे मेल्ट करना होगा। पानी वगैरह इसमें नहीं डालना है, हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस पिघलाना है। अब देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच इलायची पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर और एक चम्मच सौंठ पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर। अच्छी तरीके से इसे करेंगे मिक्स और गैस को कर देंगे ऑफ और अब इस गरम गुड़ को मिक्स में डालेंगे। गुड़ अभी काफी गरम है तो अभी इसे हम किसी भी चमचे या चम्मच से मिक्स करेंगे, फिर हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और यहां मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता अच्छी लुकिंग के लिए और बहुत ही अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हल्के गरम गरम में ही थोड़े थोड़े मिक्स को लेकर हम इसके लड्डू बना लेंगे। साइज आप अपनी पसंद अनुसार थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं। और ये देखिए लड्डू हमारा तैयार है। हाथ पर थोड़ा सा घी लगाकर हल्के गरम मिक्स में ही हमें इसके फटाफट लड्डू बनाना है। अगर आपको मिक्स थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा घी गरम करके मिक्स कर सकते हैं। अब देखिए क्या मस्त लड्डू हमारे लग रहे हैं, जो न केवल टेस्टी ही है बहुत बहुत हेल्दी भी हैं। तो सारे ही लड्डू हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये लीजिए हमारे बहुत ही गुणकारी सेहतमंद मेथी दाना के लड्डू बिल्कुल तैयार हैं।
और ये देखिए इसका टेक्सचर, एकदम सॉफ्ट और मुंह में खुल जाने वाले हमारे लड्डू बने हैं और ये कभी भी टाइट नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और यकीन मानिए खाने में ये 1% भी कड़वे नहीं लगेंगे। और इस तरह से आप इन्हें बनाकर 1.5-2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।